हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की जो कि फार्मास्यूटिकल न्यूट्रिशनिकल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप सभी जानते हैं कि आजकल का जो दौर चल रहा है वो न्यूट्रिशन का ज़्यादा चल रहा है। लोग अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने लगे हैं, जिस वजह से यहाँ पर इस फील्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस कंपनी के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर सकता है। तो गाइज, इस वीडियो में जो आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है ये हमारा टाइटन बायोटेक है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि टाइटन बायोटेक जो है वो किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट भी बनाता है, और यहाँ डिटेल में अगर देखना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे तो फूड इंग्रेडिएंट्स भी बनाता है और कोलेजन एंड प्रोटीन्स भी बनाता है और फार्मास्यूटिकल्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट भी ये मेडिसिन बनाता है उसके लिए, और एनिमल न्यूट्रिशंस भी ये बनाते हैं, और प्रोबायोटिक्स एंड फर्मेंटेशंस जो कि कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी ये बनाते हैं जो कि खेती करने में यूज़ किए जाते हैं, और कल्चर मीडिया यानी कि जो भी आपका ब्लड टेस्ट होता है या यूरिन टेस्ट होता है उसमें भी इनके प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर प्रोडक्ट रेंज की बात की जाए तो 2500 से भी ज़्यादा के ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और साथ ही एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इस कंपनी की पूरी डिटेल हम जानेंगे। तो गाइस, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है और कितने प्रोडक्ट बनाती है, 2500 से ज़्यादा के ये प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल किए जाते हैं। तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं वो मैंने आपको इमेजेस के थ्रू भी यहाँ पर दिखा दिया है, और यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ तो 25 साल से कंपनी काम कर रही है और यहाँ पर 75 देशों के अंदर है, 75 प्लस कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है। बट यहाँ पर बात की जाए सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ से आती है तो डोमेस्टिक मार्केट से ये 82% की सेल्स उठाते हैं और 18% की सेल जो है वो पूरे वर्ल्ड से निकालते हैं। तो यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट इन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, बट मार्केट में डिमांड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की ज़्यादा बढ़ रही है। जो भी मैंने आपको दिखाया सबसे ज़्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पर इनके एक्सपोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है आपको आने वाले टाइम में, और डोमेस्टिक जो है वो कम हो सकता है और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो सेल्स भी बढ़ेगी, मार्जिन बढ़ने से इनके प्रॉफिट्स में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक ऑलरेडी एक मल्टीबैगर है और अभी इसका और भी ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देना बाकी है, तो इस वीडियो में आपको पूरी तरह से मालूम चल जाएगा। तो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो भिवाड़ी में इनके दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि राजस्थान में आता है। तो इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी भी है जिसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेपटेक बायोसाइंस लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक्सपोर्ट करती है और साथ ही सप्लाई का काम भी खुद ही करती है। तो ये कंपनी बनाती क्या क्या है, तो यहाँ पर ये बायो सॉल्यूशंस को तैयार करती है जो कि क्रॉप्स एंड सॉइल में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि फसल काटने और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें इनके एग्रो न्यूट्रिशंस यूज़ किए जाते हैं, बायो फर्टिलाइज़र्स, सिलिकॉन फर्टिलाइज़र्स, बायो पेस्टिसाइड्स और भी कई तरह के इसी तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस कंपनी में इसका स्टेक कितना है, 53% स्टेक इस सब्सिडरी कंपनी में ये होल्ड करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 297 पर, अभी इसने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे मार्केट में, और यहाँ पर मार्केट कैप देख सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी है तो 246 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि मार्केट में अभी कंपनी और भी ज़्यादा ग्रोथ पकड़ सकती है। जैसे कि मैंने आपको अभी डिटेल में बताया था कि एक्सपोर्ट जो है ये बढ़ाने पर फोकस देने वाले हैं, जिस वजह से इनकी रेवेन्यू और मार्केट कैप तो साथ में बढ़ेगा ही, अगर रेवेन्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा मौका देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर लो देखेंगे तो 205 का इसका लो था, 340 का इसने अपना हाई बनाया और अब ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करें तो 27.7 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है, जो कि इसके डेट से कहीं ज़्यादा है, यानी कि ये डेट आराम से चुका सकते हैं, जिस वजह से इस कंपनी को एक डेट फ्री कंपनी ही कहा जाएगा। और यहाँ पर कैश फ्लो भी 4 करोड़ का इनके पास रखा हुआ है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कॉन्स तो एक भी नहीं देखने को मिल रहा है इस कंपनी में, यानी कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है इस कंपनी के स्टॉक्स में। तो यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी ने जो अपना डेट था उसको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर कंपनी को ऑलमोस्ट फ्री कंपनी बना दिया है, और यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए तो 63.6% की मार्केट में इसकी ग्रोथ बनी हुई है 5 ईयर्स की, और यहाँ देखेंगे तो 3 ईयर्स का ROE देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी तो 36.8% की इनकी ROE बनी हुई है। कंपनी के यहाँ पर चार्ट्स देखे जाए तो 5 ईयर की इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, या मैक्सिमम ग्रोथ भी आप देखना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन रहा करता था, और यहाँ पर जो है 9.80 रुपीज़ का इसने लो बनाने के बाद 423.60 का इसने अपना हाई बनाया था, यानी कि स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पर अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एंट्री लेना
पॉजिटिविटी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, एंट्री लेने का पॉइंट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है अपनी फेयर वैल्यू के अंडर वैल्यू अभी ये स्टॉक चल रहा है। अंडर वैल्यूड स्टॉक लोग बहुत ज़्यादा सर्च किया करते हैं, तो ये जो स्टॉक है एंट्री लेने के लिए बहुत पॉजिटिव है और अंडर वैल्यूड अभी स्टॉक है। कोई भी फ्लैग नहीं है इस पर, यानी कि कोई भी ASM GSM में नहीं है, यानी कि मैनिपुलेशन इस स्टॉक के अंदर नहीं है, स्टॉक्स में कोई प्लेजिंग नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया आपके इन्वेस्टमेंट का अभी मौका देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप इनके फाइनेंशियल देखेंगे तो रेवेन्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली यहाँ पर रेवेन्यू में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सेप्टेम्बर 2021 की बात की जाए तो 40.86 करोड़ का इनका सेल्स जो रहा करता था वो यहाँ पर थोड़े बहुत डाउन जाने के बाद वापस से रिकवर किया और 41.83 करोड़ की इनकी रेवेन्यू जनरेट होने लगी है अब सेप्टेम्बर 2022 का जो रिजल्ट आया है। और यहाँ प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स में भी यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली काफ़ी जंप देखने को मिलेंगे, तो प्रॉफिट्स भी यहाँ पर कंटिन्यूअसली बढ़कर 9.13 करोड़ का यहाँ पर इनका प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं। नेटवर्थ की बात करें यानी कि ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ रही है, तो यह ईयर ऑन ईयर की चार्ट्स भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। 102 करोड़ यहां पर इनका नेटवर्थ पहुंच चुका है इस साल से। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर देखी जाए तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग आपको देखने को मिल रही होगी 55.88% की प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है। और रिटेल एंड अदर्स की बात की जाए यानी कि पब्लिक की होल्डिंग, तो 44.12% की पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो गाइस जो भी स्टॉक के बारे में हम जानते थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ज्वाइन करें हमारा चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड ऑन टेलीग्राम, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट करवा सकता है। यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ आपको लाइव मार्केट में लाइव सपोर्ट के साथ लाइव इंट्राडे कॉल्स दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शंस कॉल भी दिए जाते हैं, स्टॉक्स इंट्राडे भी दिए जाते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी दिए जाते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने 7 नवंबर को मदरसून सुमी का यहाँ पर कॉल दिया हुआ था, 66 रुपीज़ से 62 का यहाँ पर टारगेट दिया हुआ था, जो कि यहाँ पर हाई कल के दिन यानी कि फ्राइडे मार्केट में बना चुका है 74 रुपीज़ का। तो 74 रुपीज़ पर यानी कि हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव कर चुका है। और यहाँ इससे पहले देखेंगे तो बैंक निफ्टी और स्टॉक्स इंट्राडे सभी में हमारे टारगेट अचीव हुआ करते हैं। तो आप भी ज्वाइन करें हमारा चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।